अगली खबर है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां राज्य शासन और जिला प्रशासन के सख्त निर्देश हैं कि कोई भी सरपंच, पति, जनपद, जिला सदस्य के पति या उनके कार्य नहीं करेंगे और ना ही मीटिंग में शामिल होंगे। जिसके पीछे शासन प्रशासन की मंशा है कि जिसे जो अधिकार दिया है उसका उपयोग करें और समाज में महिला पुरुष बराबर का अधिकार पा सके। लेकिन आज भी पंच, सरपंच से लेकर जनपद और जिला पंचायत तक जनप्रतिनिधियों के पतियों का पल्ला भारी है। महिलाओं के नाम पर चुनाव जीतने वाले चुनाव जीतते ही महिलाओं को घरों में कैद कर दिया और खुद जनप्रतिनिधि बनकर सीना ताने कार्य कर रहे हैं। हालांकि अब यह मामला जनप्रतिनिधियों तक नहीं रह गया है, महिला कर्मचारी के पति भी पत्नियों का भार अपने कंधों पर ले लिए हैं, जो यह बताता है कि जिन महिला कर्मचारी या जनप्रतिनिधियों का चुनाव हुआ है वह अयोग्य है। ताजा मामला गगियो ब्लॉक के डगरदुआ ग्राम पंचायत से सामने आया है, जहां की पंचायत सचिव कमला तिवारी हैं, लेकिन पूरा कार्यभार उनके पति भरत तिवारी निभा रहे हैं। यहां तक कि किसी भी प्रकार के कागजातों में हस्ताक्षर भी भरत तिवारी के द्वारा किया जा रहा है। हद तो तब हो गई कि जनपद में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भी भरत तिवारी पहुंचते हैं और लंबे चौड़े भाषण देते हैं। आपको यह भी बता दें कि भरत तिवारी मऊगंज से पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी के भाई हैं, जिनकी पत्नी कमला तिवारी सचिव हैं। हाल ही में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए गांव के अखिलेश द्विवेदी ने आवेदन दिया, जिसमें सचिव के हस्ताक्षर की जरूरत थी, लेकिन महिला सचिव की जगह उनके पति भरत तिवारी ने हस्ताक्षर कर दिए। इतना ही नहीं, सील किसी दूसरे ग्राम पंचायत के सरपंच की थी, जिसमें सचिव लिख कर हस्ताक्षर किया। किसी पछड़े में ना फंस जाएं, इस डर से अखिलेश द्विवेदी ने जब फोन लगाकर उनसे जानकारी ली कि पंचायत सचिव आपकी पत्नी है और सिग्नेचर आपने किया है, कोई झमेला तो नहीं होगा, तो सचिव पति भरत तिवारी ने आश्वस्त किया कि किसी से बताने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। आप सिग्नेचर देख सकते हैं कि किस तरह से भरत तिवारी के द्वारा पत्नी का सिग्नेचर किया गया। निश्चित तौर पर पूरे जिले में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, खासकर गगेव जनपद पंचायत इसके लिए पहले स्थान पर है। महिला कर्मचारी के स्थान पर पति का हस्ताक्षर करना यह बताता है कि जमकर गोलमाल है और समय पड़ने पर पंचायत सचिव अपने हस्ताक्षर होने से मुकर जाएंगे और उनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हालांकि बताया जाता है कि सैयाब है कोतवाल तो डर काहे का, वही कहावत चरितार्थ है। पंचायत सचिव के जेठ पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी है, जिसके चलते जनपद में भी कोई कुछ नहीं कहता। आइए सुनाते हैं ग्रामीण शिकायतकर्ता राममण द्विवेदी और अखिलेश द्विवेदी को, जिनके द्वारा AWS के लिए आवेदन किया गया तो महिला कर्मचारी के पति ने हस्ताक्षर कर दिए, उनका पूरे मामले में क्या कहना है। फिर सुनाएंगे पंचायत सचिव पति को कि किस तरह से स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने हस्ताक्षर किया है। आपका मेरा राममण द्विवेदी, बताइए किस तरह से सेक्रेटरी पति काम करते हैं और किस तरह से दिक्कतें होती हैं ग्राम पंचायत के लोगों को। लोगों को दिक्कत ये होती है, जैसे मान लीजिए वहाँ महिला सचिव पदस्थ हैं हमारे डगरदुआ पंचायत, क्या नाम है, कमला तिवारी, उनके पति का नाम है भरत तिवारी, पूरा काम धाम दस्तखत पूरा वही करते हैं, बैठे वही रहते हैं। मेरे पास वीडियो भी है, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे वो बात कर रहे हैं। मैं खुद ही सचिव हूँ और लगे तो 15 अगस्त के बारे में भी वो मोदी जी का जो तिरंगे का अपमान भी किए थे कि जो है लोगों ने पूछा कि ये जो घर घर तिरंगा लगा रहे हैं उसमें क्या इसका क्या परिणाम निकलेगा, तो बोले कि जिस तरह मोदी जी कोरोना में घंटी और थाली बजवाए थे वही ये तिरंगा है, इसका वीडियो भी हमारे पास है। तो जनपद में जो कार्यक्रम होते हैं, मीटिंग सभा होती है, हर जगह पति जाते हैं, वो साथ साथ में रहते हैं हमारे भरत तिवारी जी, वो वही पूरा काम धाम साथ में रहना तो ठीक है, काम भी वही करते हैं, दस्तखत पंचायत उसमें पंचायत में करते हैं, वही दस्तखत करते हैं। जैसे उनके जो पत्नी है उनके पास जाएं तो बोले कि जब तक वो मतलब भरत तिवारी नहीं आएंगे तो कोई काम नहीं होगा, ना कोई दस्तखत होगी। आपका अखिलेश कुमार द्विवेदी, आपसे एक बात हो रही है, जिसको आप बता रहे हैं कि सेक्रेटरी के पति हैं, क्या नाम है, किस मामले में बात हो रही है? एक्चुअली मैं अपनी वाइफ का सपना द्विवेदी का AWS फॉर्म में साइन करवाने के लिए गया था उनके पास, तो मेरे को 2-3 दिन पहले बात हुई तो बोले कि सुबह आइए, फिर बोलते शाम को आइए, फिर बोले सुबह आइए, फिर शाम को, फिर करते करते बोले गाँव आ जाइए, मैं बोला गाँव नहीं आ पाऊंगा अभी, तो बोले कि ठीक है गढ़ आ जाते हैं, गढ़ में आ जाइए हम, तो सोचो गए उनकी वाइफ आ रही हो साथ में सेक्रेटरी जो है कमला तिवारी, तो वो साइन कर देंगी, मुझे क्या पता। मैं गया तो वहाँ पे जो है तू आए और बोले कि वो नहीं चलती मेरे साथ और घर चली गई हैं, मैं ही साइन कर दूंगा आपके AWS फॉर्म में, और उन्होंने साइन कर दिया। उसके बाद जो है कमला तिवारी के नाम से साइन कर दिया उसमें AWS फॉर्म में,
जहाँ पे पंचायत के सेक्रेटरी को होना चाहिए। उसके बाद फिर उनके पास सील भी नहीं थी, सील जो है उन्होंने रतारा में आके रिंग रोड में एक जगह सील लिया उन्होंने सरपंच के नाम से, और उसमें सरपंच उसको मिटा के जो है उसमें सील लगा दिए, और उसके बाद जो है हमको दे दिए, बोले कोई दिक्कत नहीं है। उसकी भी जो है मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पुष्टि कर रहा हूँ, दो दो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, लेकिन आज की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, और मैंने कागज दे दिया, इसीलिए मैंने उसको जो है तहसील में भेजा कागज, जिससे बाद में फंसे ना इस मैटर में कि आपने फर्जी साइन कराया था। क्या हर जगह सरपंच पति वो सेक्रेटरी पति काम करते हैं? हाँ, हर जगह वही बोले कि वो साइन नहीं होगी, साइन कराना हो तो हमसे करा लो, वरना मत कराओ, जब तुमको विश्वास ना हो तो फिर दूसरा फॉर्म लेके आओ, जाओ देखो वहाँ आपके साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग पुष्टि भी हो रही है उसमें। कहाँ के सेक्रेटरी है ये? डगरदो ग्राम पंचायत की सेक्रेटरी है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं कोल्हा ग्राम को रहने वाला हूँ, डगरदो पंचायत में कोल्हा गाँव आता है। कुल मिलाकर सेक्रेटरी जो मैडम है उनके पति ही पूरा काम धाम करते हैं। हाँ, पूरा काम धाम जो है उनके पति के द्वारा किया जा रहा है, जबकि शासन का निर्देश कलेक्टर का सख्त आदेश है कि जो सचिव है जो वो है तो वही काम करे, महिला है तो महिला काम करे, कुछ भी ऐसा ना करे, उनके पति द्वारा काम किया जाए। और कहीं शिकायत करेंगे आप लोग? किया है अभी? हाँ बिल्कुल, कई जगह शिकायत करेंगे अभी। कलेक्टर जिला सीओ को जानकारी कुछ बिल्कुल देंगे जानकारी, क्या चाहते हैं, किस तरह से दिक्कतें होती हैं गांव के लोगों को, अगर वो नहीं रहती मैडम नहीं करती हैं तो क्या फंस सकते हैं कभी भी धोखाधड़ी ऐसे मामले में? मैं फंस सकता हूँ, हमने कई लोग ग्राम पंचायत से बोल चुके हैं कि ऐसे ऐसे हल है कि जो ये शिकायत करती हैं ऐसे ऐसे काम में, कहीं किसी भी कागज लेके जाओ बस इनके पति द्वारा साइन कर दिया जाता है, फर्जी साइन बना के, बोलते कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हूँ ना। मऊगंज के जो पूर्व विधायक थे लक्ष्मण तिवारी, उनके परिवार से है क्या, उसके कारण है ये? सगे भाई उनके और सगे भैया हुए सेक्रेटरी जो है, क्या यही कारण है कि बाहर नहीं निकलती है, बाहर नहीं जाती, वही दस्तखत कर देती है? पूरा वही कारण है, जो उनके दबाव इतना राजनीति से रसूख है उसकी वजह से जो है ये चीजें पूरी जो है हो रही है। जनपद के अधिकारी और कोई बोलता भी नहीं होगा कुछ? बिल्कुल नहीं बोलते इस मैटर में, तभी तो सब चीजें हो रही है, अगर ऐसा कार्यवाही होती तो क्यों ऐसा बोलते? मैं चाहता हूँ कि इस मैटर में जो है संज्ञान लिया जाए और सख्त से सख्त जो है कार्यवाही की जाए, तभी कुछ आगे हो सकता है। कितने लोगों का जो है फर्जी साइन में कागज बर्बाद हो जाएगा, कितने लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, ऐसे में तो बाद में करेंगे हमारी साइन ही नहीं है, कभी वेरिफिकेशन होगा तो आप फर्जी साइन मारे, सामने वाला व्यक्ति खुद फंस जाएगा अपने उसमें, कि मतलब वो सामने वाला व्यक्ति फर्जी साइन और सील मार के लाया है। देखा आपने किस तरह से महिलाओं के अधिकारों को जहां छीना जा रहा है, वहीं आयोग उम्मीदवारों को खड़ा कर योग्य का अधिकार छीनते हुए पति ड्यूटी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे लोगों पर शासन प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। आइए आपको सुनाते हैं पंचायत सचिव पति भरत तिवारी और अखिलेश द्विवेदी के बीच हुई चर्चा के कुछ अंश। प्रणाम। हेलो। हाँ बोलो बोलो। जी, यह जो फॉर्म दे आ रहे हैं इनका वकील साहब जिन आप ही के हम उनके दे आ रहे हैं कल जमा कर देंगे उन्हें वहां ले जाके, सेक्रेटरी उनका अपना दिक्कत हो सचिव घाल बनावा का है नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कौन दिक्कत नहीं, पता चला कि बने के बाद तो नौकरी कोई लग जाए दिक्कत हो जाए बात ही आज पूछे के कोई दिक्कत नहीं ना जी, हम कहीं पूछ चुके अपना थोड़ा दिक्कत हो ऐसे आए नहीं भाई कहीं हम बता दूंगा कि जैसे मैडम नहीं मिल पाई है सेक्रेटरी मैडम तो उनका हस्बैंड का जी दसाइन ऐसे आए या सब बताऊ भाई ना कही कहा मतलब नहीं आया जी 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 नहीं नहीं वो बता नहीं मतलब बताएंगे मिसमैच ना हो उनके चूंकि उनके पास जो कौर आए हैं एक आधे फार्म देखो पंचायत के नहीं ऐसे कौन बात जी जी मतलब अपना साइन तो दिक्कत न हो ना दिक्कत बस वह चीज है मतलब सेक्रेटरी मैडम है या साइन अपना कह दिया ते से पूछ लिया है सरपंच लिखा सचिव बना बागा आदमी का और दिक्कत नहीं भाई जी 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 वहाँ डगरदुआ लिखा गागे ते से आए कहन जी 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 तू है कि दिक्कत न हो बाद में ईडब्ल्यू फॉर्म डगरदुआ वाले सपना द्विवेदी वाले में जी 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 ठीक चलिए पूछ अगर पूछ लीजिए अपना से ऐसे आए ठीक चलिए जी हेलो जी यार पूछा ना जैसे वकील साहब जी बैठे हैं तो यह कि जब दूसरे फार्म साइन कराओ जैसे अपना के साइन हो सेक्रेटरी के तो जिज्जी मान ली कर देती हैं मैडम तो फिर मिसमैच तो हुई थोड़ा सा। अरे भैया अगर आपको दिक्कत है तो दूसरा फार्म ले लीजिए। नहीं दूसरा फॉर्म इतना तो विश्वास है अपने ऊपर तब आया कहले का वैसा ना है आप दूसरा फॉर्म ले लीजिए जी, जी। भाई वो प्रमाण पत्र तो अलग बना के देंगे जी, ना जी 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 हाँ तो भाई पूछ लगे जैसे मान लिया कमला कागज में देंगे जी 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 मैडम के साइन होती है कमला लिखती है तो भाई कमला तिवारी ने लिखा है जी जी हाँ 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 तो कमला तिवारी लिखा है तो मतलब हुआ कि मिसमैच ना हो ऐसे बाद में जैसे दूसरा साइन हो ऐसे आए अच्छा ठीक चलिए भाई पूछ रहा जी डगर दो वाले में ठीक है।